2014 में धोखा हो गया, 2000 में ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री खट्टर बन गया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बन गया भाई पंजाबी हमारे भाई हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन राम बिलास जी ने क्या गलती करी थी 2014 में, इतना भूंडा धोखा कर दिया, नाम उनके नाम से सरकार बनी, उनके नाम से सारा काम हुआ, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उसको भाई बिल्कुल काटा सा काट के एक तरफ बैठा दिया। इस बात को हमने गहराई से सोचना चाहिए। और आप एक और सुनो, हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था, 56 साल हो गए, पहला मुख्यमंत्री कौन था? कै महीने रहा? 6 महीने। तुम्हारे 4.5 साल कब दोगे भाई? अरे हमारे 4.5 साल कब दोगे? अरे हमारे सुनो, एक और चीज सुनो, मोदी जी से ही बात करूंगा मैं, अमित शाह जी से भी बात करूंगा, मैंने आज तक करी नहीं है बात, और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं धर्म से बताता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मेरे को बोले भी ब्राह्मणों का लीडर बना, मैं लीडर नहीं बनना चाहता, मैं सेवक बनना चाहता हूं, लीडर तो नौजवान बन लेंगे, मेरे को कोई जरूरत नहीं। मेरा दिल दुखता है, सुनो, मेरा दिल दुखता है जब मेरे पास तो काम कराने के लिए आता है और काम कराने के बाद वो दोबारा जब आता है तो मेरा जी लिखता है कि मेरी इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं उसका काम कर सकूं। तो मैं सिर्फ इतनी ताकत चाहता हूं कि मेरे कहने पर काम नहीं रुकना चाहिए, मेरे कहने पर काम नहीं रुकना चाहिए। अगर जायज काम की बात करता हूं, मैं नाजायज काम की बात नहीं करता। मैंने कहा कि मैं 1971 से राजनीति कर रहा हूं, 2022 हो गए, 50 साल हो गए मुझे, मैं सिर्फ कमल के फूल के लिए काम करता हूं और कमल के फूल मेरे लास्ट तक रहेगा। जिस व्यक्ति को कुछ अपनी बात करनी है तो वो खुद ही बताए मैं कहाँ से दुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बुधवार को माने मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद वो संतुष्ट थे, और उसके बाद मैं चला गया हॉस्पिटल में, मेरी भाभी एडमिट थी, वहाँ गया तो वहाँ ये आगे थे, खड़े थे, कहते इस टाइम प्रेस की रिलीज तो हो नहीं सकती, हम यूट्यूब में डालते थे। मैं कहा अच्छा डालो, डाल दी। मुख्यमंत्री के जो बात कही उन्होंने खुद कही, ये दोनों अधिकारी को आदेश दे दिया कि इसकी जो भी कमी है ठीक करके मुझे जल्दी रिपोर्ट दो। बुधवार है, वीर शुक्र शनिवार छुट्टी 2 दिन, और आज वो प्रक्रिया चली है। गोड संस्था की जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार है, मैं भी उनकी पैरवी कर रहा हूँ, इसमें कोई बट ही नहीं, कुछ नहीं देंगे, उनकी जमीन हम देंगे। अब राजनीति करने वाले राजनीति करें, हमारा काम है सेवा करना। हरियाणा के सरकार मुख्यमंत्री मना करना हो तो पहले मना कर देते हैं, हाँ किए तो हाँ। उस दिन भी आप जब 4 तारीख की रैली थी, 5 तारीख को आपने रेस्ट हाउस में सवाल किया था जमीन देने का, उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था मैं परावर की जमीन जो 13 साल से 2009 का मामला है, आज 2022 होगी, 13 साल के बीच में किसी ने डिमांड नहीं रखी, ये एकदम डिमांड उठी है, और फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो इसकी कमी है मैं पूरी करवा के इन ब्राह्मण समाज के लोगों को जो बराबर की जमीन गोट संस्था को दूंगा, कोई इनकार नहीं। और अब भी हम कह रहे देंगे ना, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा काम है पार्टी के निष्ठा पे काम करना, मैं करता रहूँगा। व्यक्ति के लिए मैं नहीं करता, मैं कमल के लिए फूल करूँगा, जो कमल के फूल लेकर आएगा उसके लिए मैंने काम करना। मैंने कहा कि आपके चैनल के बात करा रहा हूँ, जो बात पहले दिन से चल रही है ब्राह्मण समाज गौर संस्था को, हम ये परावर की जमीन देंगे देंगे 100% देंगे। देखो तो जी 2014, अब 2022, 8 साल में बीच में कितनी घटनाएं घटी, क्या हुआ, ये जवाब वही दे सकते हैं।